पाठ 8 सम्मान। सम्मान कहानी श्रम के महत्व को प्रतिपादित करती है। स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। पापा का हाथ कसकर पकड़े रहना बेटे, मम्मी ने कितनी बार चलने से पहले हिदायत दी। सोनाली अपने पापा के साथ में स्टेशन पर जाने की तैयारी कर रही है। उससे पहले मम्मी ने कितनी बार ही उसे आदेश दिया कि तुम वहाँ जा रही हो तो वहाँ का जो माहौल है कैसा होगा, तो उसके दौरान वहाँ पर पापा के साथ में ही रहना है, पापा का हाथ पकड़ कर ही रहना है। सोनाली ने देखा कि सच में ही स्टेशन पर जैसे कोई मेला लगा हुआ था। कहीं चाय वाला, कहीं आलू पूड़ी वाला, कहीं पत्रिकाओं का स्टॉल, तो कहीं पानी की ठंडी बोतलें बेचने वाला। चारों ओर लोग ही लोग, हर कोई जैसे दौड़ रहा है। माइक पर बोल रहा था कि मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है, आपकी यात्रा सुखद व मंगलकारी हो। सोनाली जैसे स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि वहां पर जैसे कोई मेला लगा हुआ है, बहुत ही भीड़भाड़ वाला स्थान था। कहीं चाय वाला, वहां का जो दृश्य है उसने इस तरह से देखा, कहीं चाय वाला है, कहीं आलू पूड़ी बेचने वाला है, कहीं पत्रिकाओं मैगजीन का स्टॉल दुकानें हैं, तो कहीं पानी की ठंडी बोतलें बेचने वाला। चारों ओर लोग ही लोग, हर तरह भीड़ ही भीड़, हर कोई जैसे दौड़ रहा है। इतने में माइक पर अनाउंस हुआ कि मुंबई से जो आने वाली ट्रेन थी, गाड़ी थी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुक गई है, और आगे की यात्रा करने वालों को शुभकामनाएं दी कि आपकी यात्रा सुखद व मंगलकारी हो। मौसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। लगता है तुम्हारी मौसी सारा घर उठाकर साथ ले आई है, पापा ने दूर से ही मौसी को देखकर कहा। जैसे ही मौसी को पापा और मैंने देखा तो पापा ने मजाक के मूड में कहा कि लगता है तुम्हारी मौसी तो पूरा घर ही उठाकर लेके आ गई है। जो बैग और सामान उनके पास था, तो उन्होंने मजाक मजाक में सोनाली से कह दिया। पापा ने झट से एक कूली बुला लिया। कूली ने सिर पर 2 सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर 2 बड़े हैंडबैग टांगे और तेज चाल से चलने लगा। कूली का साथ देने के लिए सभी को लगभग भागना ही पड़ रहा था। तभी सामने से आते 3 नवीन युवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई। पापा ने झट से उस सामान को उठाने का बंदोबस्त किया, व्यवस्था की कि इतना सामान हम कैसे उठाएंगे। तो उन्होंने एक कूली बुलाया और कूली से सारा सामान उठाया। कुछ सामान उन्होंने, पापा ने, सोनाली ने और मौसी ने भी पकड़ा। कूली ने सिर पर 2 सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर बैग टांगे और तेज चाल से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। कूली जैसे जैसे आगे चल रहा था, उसकी जो चाल थी बहुत तेज थी। उसके साथ ही लगभग सभी को तेज चाल से चलना पड़ रहा था या दौड़ना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि सब दौड़ रहे हैं उसके पीछे। तभी सामने से आते 3 युवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई, उसका सामान कहीं से टच हो गया। 3 जो लड़के थे सामने से आ रहे थे और नवयुवक खाली हाथ थे, फिर भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। कूली के पास सामान था लेकिन उन 3 लड़कों के पास सामान नहीं था, फिर भी उन्होंने रास्ता नहीं दिया, साइड नहीं दी, जिससे उनकी कूली की टक्कर हो गई और सामान गिर गया। नवयुवकों ने कूली को बहुत बुरा भला कहा, बस फिर क्या था। मौसी ने भी नवयुवकों को बहुत खरी खोटी सुना दी। उसने माफ़ी मांगने की बजाय नवयुवकों ने, जो लड़कों ने कूली को ही कहा कि तुम देख कर नहीं चल सकते हो अच्छी तरह से, और भला बुरा और भी उसके साथ कहने लगे और करने लगे। लेकिन मौसी ने भी उनको छोड़ा नहीं, अच्छे से उनको भी बता दिया, उनको अच्छे से खरी खोटी, उनको भी भला बुरा अच्छे से बता दिया, कि सिखा दिया कि इज्जत करना क्या होता है। मौसी, आपने उन लोगों को क्यों डांटा, वे खूब पढ़े लिखे अमीर और श्रेष्ठ लग रहे थे, सोनाली ने पूछा। सोनाली ने मौसी से कारण पूछा कि डांटने का कारण क्या है, तो मौसी ने कारण बताया।
सोनाली ने पूछा कि लग रहे तो वो पढ़े लिखे और शिष्ट और समझदार भी लग रहे थे, तो आपने क्यों डांटा उनको? सोनाली, तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? मौसी ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। मौसी ने सोनाली से पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट नामक व्यक्ति का तुमने कभी नाम सुना है? हाँ मौसी, हमारी पुस्तक में लिखा है कि नेपोलियन एक महान योद्धा था, एक महान योद्धा थे, उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। मौसी ने बताया कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपने महिला दोस्त के साथ पेरिस में घूम रहे थे, तभी सामने से एक मजदूर सिर पर भारी गट्ठर लादे आता दिखाई दिया। रास्ता संकरा था, मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन एक तरफ हो गए, लेकिन अपने धन और वैभव के घमंड में चूर वह महिला मजदूर को अनदेखा कर चलती रही। एक बार उन्होंने एक वाक्य सुनाया, एक घटना के बारे में बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने महिला मित्र के साथ में पेरिस में घूम रहे थे। एक संकरे रास्ते पर वो जा रहे थे, पतले रास्ते पर जा रहे थे, उनके साथ उनके महिला मित्र भी थी, तो सामने से एक मजदूर लकड़ी का गट्ठर उठाते दिखाई दिया। उसी वक्त नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको रास्ता दे दिया, लेकिन जो उनकी महिला मित्र थी उसने उनको रास्ता नहीं दिया और अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ती चली जा रही थी। आपके बीच में पापा ने जट से एक कूली को बुला लिया। कूली ने सिर पर दो सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर दो बड़े हैंडबैग टांगे और तेज चाल से चलने लगा। कूली का साथ देने के लिए सभी को लगभग भागना ही पड़ रहा था, तभी सामने से आते तीन नवयुवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई। नवयुवक खाली हाथ थे, फिर भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। नवयुवकों ने कूली को बहुत बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, मौसी ने भी नवयुवकों को बहुत खरी खोटी सुना दी। पापा ने जो मौसी सामान लाई थी उसको उठाने के लिए एक कूली को बुला लिया। कूली ने उस सामान को इस तरह से उठाया कि अपने सिर पे दो सूटकेस के ऊपर सूटकेस रखा और दोनों कंधों पर बैग टांग लिए और तेज़ चाल से चलने लगा। कूली का साथ देने के लिए हम भी तेज तेज चलने लगे, ऐसा लग रहा था कि भाग रहे हो। तभी सामने से आते तीन युवकों के साथ कूली की टक्कर हो गई। कूली का सामान उनके टच हो गया, इस वजह से सामान भी गिर गया और कूली भी लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन संभल गया। नवयुवक भी खाली हाथ थे, लेकिन तो भी उन्होंने उससे सॉरी वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, उल्टा उनसे झगड़ा करने लगा, कूली से झगड़ा करने लगा। बस फिर क्या था, मौसी ने भी उनको अच्छे से खरी खोटी सुना दी। तब मौसी, आपने उन लोगों को क्यों डांटा? वे खूब पढ़े लिखे, अमीर और शिष्ट लग रहे थे, सोनाली ने पूछा। तब सोनाली ने पूछा कि मौसी, आपने उन लोगों अच्छे खासे दिख रहे थे, अमीर भी दिख रहे थे, अच्छे रहन सहन वाले भी दिख रहे थे, वेशभूषा भी, उनके कपड़े भी अच्छे थे, फिर भी आपने उनको क्यों डांटा? तो मौसी ने बताया कि हमें सबका आदर करना चाहिए, जो हमारी सहायता कर रहा है, हमारा बोझ ढो रहा है, उनकी सहायता करनी चाहिए, न कि उनका अपमान करना चाहिए। इसलिए मैंने उन तीन नवयुवकों को अच्छे से भला बुरा कहा, उनको डांटा कि उनको सम्मान करना चाहिए न कि अपमान। सोनाली, तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? मौसी ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। मौसी ने पूछा कि तुमने नेपोलियन बोनापार्ट नामक व्यक्ति का नाम सुना है? हाँ मौसी, हमारी पुस्तक में लिखा है कि नेपोलियन एक महान योद्धा था। सोनाली ने बताया कि नेपोलियन के बारे में उसने यह पढ़ा है कि वो एक महान योद्धा था। मौसी ने बताया कि एक बार
नेपोलियन बोनापार्ट अपनी महिला दोस्त के साथ पेरिस में घूम रहे थे, तभी सामने से एक मजदूर सिर पर भारी गट्टर लादे आता दिखाई दिया। रास्ता संकरा था। मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन एक तरफ हो गए, लेकिन अपने धन और वैभव के घमंड में चूर वह महिला मजदूर को अनदेखा कर चलती रही। मौसी ने नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित एक वाक्य एक घटना सुनाई कि नेपोलियन जो थे एक अपने महिला मित्र के साथ में पेरिस में घूम रहे थे। जिस सड़क पर जिस रास्ते वो घूम रहे थे वो बहुत ही पतला था और सामने से एक उस जब चल रहे थे उस समय एक मजदूर सामने से भारी गट्टर लादे हुए आता दिखाई दिया, तो नेपोलियन झट से उसका सम्मान करते हुए साइड में हो गए, उन्हें उस गट्टर समेत उस मजदूर को आगे बढ़ने दिया। लेकिन उस महिला ने उस मजदूर को रास्ता नहीं दिया और उसका अपमान भी किया और आगे बढ़ती चली गई। यह देखकर नेपोलियन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर एक तरफ करते हुए कहा, मैडम, भार उठाने वालों को सम्मान देना चाहिए। भार चाहे हल्का हो या भारी, सम्माननीय है। नेपोलियन ने उस महिला मित्र का हाथ पकड़कर एक तरफ किया और बताया कि जो भी भार बोझ उठाता है उस मजदूर का, उस व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान। भार चाहे कैसा भी हो, हल्का हो भारी हो, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वह व्यक्ति सम्माननीय है हमारे लिए। भार उठाने वाला अमीर हो या गरीब, उसे रास्ता देना, उसकी मदद करना और उसकी इज्जत करना ही सही और उचित है, मौसी ने समझाते हुए कहा कि जो भार उठाता है, हमारी सहायता करता है, किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो यही सही और उचित है उस व्यक्ति के लिए भी और हमारे लिए भी, मौसी ने सोनाली को समझाया। मम्मी ने बालकनी से देखा कि सोनाली ने ड्राइवर अंकल के हाथ से एक हैंडबैग ले लिया। आज वह भागती हुई पहले जीने की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, बल्कि ड्राइवर अंकल को पहले चढ़ने दिया। यह देख मम्मी मौसी और पापा मुस्कुरा उठे। मौसी की बातों का असर लास्ट में अंतिम पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है कि मम्मी ने बालकनी से देखा कि सोनाली ने ड्राइवर को पहले सीढ़ियाँ चढ़ने दिया, उनके हाथ से एक बैग भी ले लिया उनकी सहायता करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, और ड्राइवर अंकल को पहले जाने के बाद में उनको उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस तरह से उसको मौसी की बातों का असर हुआ, उसकी समझ में आया कि हमें हर भार उठाने वाले का, हर मजदूर का सम्मान करना चाहिए। श्रम सबसे उल्लेखित है इस पाठ में कि श्रम को हमें सम्मान देना चाहिए, हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को सम्मान करना चाहिए। यह देखकर नेपोलियन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर एक तरफ करते हुए कहा, मैडम, भार उठाने वाले को सम्मान देना चाहिए। भार चाहे हल्का हो या भारी, सम्माननीय है। यह देखकर कि महिला मित्र हटी नहीं, मजदूर को रास्ता नहीं दिया, तो नेपोलियन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर एक तरफ करते हुए कहा, मैडम, भार चाहे छोटा हो या भारी हो या हल्का, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसको उठाने वाले का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे लिए भार व मजदूर, उठाने वाला जो मजदूर है, वो दोनों ही सम्माननीय है, क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। भार उठाने वाला अमीर हो या गरीब, उसे रास्ता देना, उसकी मदद करना और उसकी इज्जत करना ही सही और उचित है, मौसी ने समझाते हुए कहा।
भार उठाने वाला जो व्यक्ति है वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसे रास्ता देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी इज्जत करना ही उचित और सही है, मौसी ने सोनाली को समझाया। मम्मी ने बालकनी से देखा कि सोनाली ने ड्राइवर अंकल के हाथ से एक हैंडबैग ले लिया। आज वह भागती हुई पहले जीने की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी बल्कि ड्राइवर अंकल को पहले चढ़ने दिया। यह देख मम्मी, मौसी और पापा मुस्कुरा उठे। मम्मी बालकनी में खड़े देख रही थी कि किस तरह से सोनाली बदली बदली हुई है, उन पर मौसी और पापा की बातों का असर हो रहा है। मौसी ने जितना भी पाठ में उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया कि हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, भार उठाने वाले की भी सहायता करनी चाहिए, भार चाहे हल्का हो या भारी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप से उनकी सहायता करें। तो सोनाली ने आज जो बदलाव आया था, सोनाली में जो आज बदलाव आया था वह इस तरह था। उसने ड्राइवर अंकल से अब एक बैग लिया, हैंडबैग लिया और पहले ड्राइवर अंकल को सीढ़ियाँ चढ़ने दी और उनके पीछे पीछे वो चलने लगी। इस तरह से श्रम का जो महत्व है हमारे जीवन में कितना अनमोल है, सम्माननीय है और विचारणीय भी है। हमें विचार करना चाहिए कि किस तरह से लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे लिए हल्का और भारी बोझ ढोते हैं, हमारे साथ सहयोग पूर्ण वातावरण में रहते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। ये नया चालू करना है तो क्या करना है?